Let's see our reporting standards. In preparing the report, the auditor follow these standards. ये in general terms में है कि auditor जो है उसने जो report बनानी है, जो opinion express करनी है, उसके standards क्या होंगे. The report state whether the financial statements are in accordance with the generally accepted accounting principles. ये बहुत ज़रूरी है कि वो ये mention करे अपनी report में कि हमने जो ये accounts audit किए हैं, they are prepared according to the general accepted accounting principle. और ये principles numbers हैं, उसमें detail में हम जाएंगे नहीं. The report identifies those circumstances in which the company has not consistently observed such principle in the current period in relation to the preceding period. अगर किसी वजह से आपने वो generally accepted principle इस period में accept नहीं किया, पिछले साल तो करते आ रहे हैं, लेकिन इस साल अगर आपने उसको accept नहीं किए या apply नहीं किए, तो आपको define करना पड़ेगा, explain करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आप चुप कर जाएं उसके ऊपर. If you find there is a change, you need to ask the explanation. और वो explanation आपको फिर अपनी opinion में बतानी पड़ेगी, paragraph देना पड़ेगा कि आपने यहाँ यहाँ change किया है, तो उसकी reason क्या है. अगर reason नहीं है तो आप बस बता दें. यानी आप qualified report ही नहीं देंगे, बल्कि आप उसको clean report देंगे, लेकिन mention कर दें कि आपने यहाँ पर यह change किया. बाकी reader पर छोड़ें कि वो उसको कैसे seriously लेते कि नहीं लेते, लेकिन आपने बताना है. Users are to regard the informative disclosure in the final statements as reasonably adequate unless the report state otherwise. यानी वो assume कर लेंगे reader कि आपने जो कुछ भी लिखा है report में, जो बनाई है, accounts जो submit हुए हैं, ये adequate हैं, यानी बस काफ़ी हैं. अब देखिए, ये तो possible नहीं है कि अगर आप समझें कि भाई everybody will be pleased what you have presented. No, possible नहीं है. हर यूज़र की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है, इसलिए सबकी रिक्वायरमेंट को हम पूरा नहीं कर सकते, किसी जरूरत में पूरा नहीं कर सकते. हम एक जनरल ओपिनियन लेते हैं और उसके मुताबिक अकाउंट्स जो है ना प्रेजेंट होते हैं, और उसके ऑडिट होते हैं, और इसी तरह से भी रिपोर्ट बनाई जाती है. इन केस यू नीड मोर एक्सप्लेनेशन, यू हैव अ राइट. मसलन बैंकर जो हैं, सिंपली आपके अकाउंट्स को नहीं एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते. इफ़ दे नीड मोर इन्फॉर्मेशन, दे विल आस्क यू, और आपको देना पड़ेगी. If you want to take a loan, ऐसा नहीं है कि आप उस explanation को ignore कर देंगे, नहीं, आपको देनी पड़ेगी. Then the report contains either an expression of opinion regarding the financial statement taken as a whole or an assertion to effect, then that an opinion cannot be expressed. The report should state the reason. यानी आप reason बताएं कि जी हम अगर नई अप्री ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसकी रीज़न बताएं. ऐसा नहीं है कि आप बस लिख दें जी कि ये रिपोर्ट हम देते ही नहीं, ऐसा नहीं है. बट यू हैव टू एक्सप्लेन कि कहाँ पर रिपोर्ट में जो कुछ भी आप कंटेन करेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ रिपोर्ट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आप कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही की बात हो रही है, तो देखिए आपने ऑडिट किस चीज़ का करना, यही देखना ना कि जो पैसे आए, खर्च हुए, कहाँ खर्च हुए, कहाँ नहीं खर्च हुए, एसेट खरीदे, कितने खरीदे, कहाँ से खरीदे, ये सारी डिटेल आपको चेक करनी होती है. लेकिन अगेन पीसीज में नहीं, आपने देखना कि जहाँ पे मटेरियली चेंज आ रही है उसको वेरीफाई. अब ये जो गोइंग कंसर्न का है ना, दैट इज़ अ वेरी सीरियस इशू. कि अगर तो गोइंग कंसर्न का मसला है, क्योंकि देखिए ना, ये शुरू में डिस्कस हुआ था क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग में, कि गोइंग कंसर्न में क्या है कि द ऑडिटर मस्ट इवेल्यूएट वेदर देर इज़ अ सब्सटेंशियल डाउट अबाउट द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न फॉर अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम. अब ये रीजनेबल पीरियड से मुराद नॉट नेसेसरली वन और टू मंथ्स की बात है, बल्कि यू कैन गो से अबाउट ए ईयर सो, इससे भी ज़्यादा भी आप सोच सकते हैं कि ये. लेकिन नॉर्मली होता ये है कि अगर ऑडिटर फील कर रहा है कि ये कंपनी कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, तो मैनेजमेंट क्या करती है, कोशिश करती है कि कोई ऐसी अश्योरेंस किसी से दिलवा दे कि जी हमें ये सपोर्ट कर देंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे. तो अगेन ऑडिटर पर डिपेंड करता है कि वो उनकी अश्योरेंस को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते. लेकिन वंस दे फील कि जी ये कंटिन्यू नहीं करेगी, तो फिर कोई चांस नहीं है कि वो क्लीन रिपोर्ट दें, फिर तो आपको एक एडवर्स रिपोर्ट देना ही पड़ेगा. जैसे मैंने रिपोर्ट में बताया
के 12 ऑब्जेक्शंस लगाए, तो मैंने इतफाक से, मैं जानता था उस कंपनी को बड़ी अच्छी तरह से, उसके जो डायरेक्टर्स हैं या उसका जो सेक्रेटरी वगैरह है, मैं सबको ही जानता था। तो मैंने उन्हें कहा, मैं कि ये रिपोर्ट आपने कैसे एक्सेप्ट कर ली एज ए मैनेजमेंट? कहते जी ऑडिटर्स ने बस बना दी है, क्या करते? मैं क्या कहते, आप रिपोर्ट हमारी क्यों पढ़ते हैं और क्यों यही डिस्कस करते हैं? मैं कभी, इट्स सरप्राइजिंग टू मी कि एक ऑडिट रिपोर्ट में 12 क्वालिफिकेशन लगी हूँ। कहते अच्छा, आप हमारे इन ऑब्जेक्शंस का जवाब मैं दूँ? मैं कहा नहीं, मुझे जवाब की जरूरत नहीं। कहते नहीं, सुन लें। मैंने कहा अच्छा चलें, एक का जवाब देते हैं कि आपने जो रजिस्टर है फिक्स्ड एसेट्स का, वो क्यों नहीं दिखाया? कहते इसलिए नहीं दिखाया कि लाहौर में बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी और वो हमारा जो रजिस्टर था वो नीचे बेसमेंट में था और वो पानी की वजह से ख़राब हो गया, इसलिए नहीं दिखाया। दैट वॉज द एक्सप्लेनेशन। ये कोई बात बनती है? लेकिन दिस इज़ हाउ बेसिकली कि आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। गोइंग कंसर्न के लिए प्रॉब्लम ये है कि अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो फिर तो ऑडिट रिपोर्ट ऑब्वियसली क्वालिफाइड आएगी। If substantial doubt exists about the company continuing as a going concern, the auditor adds to the report an explanatory note describing the potential problem. जो बताएगा, लिखेगा अपनी रिपोर्ट में। इसलिए कि देखिए, जिसने भी बिजनेस करना है फ्यूचर के लिए करना है ना, अगर फ्यूचर ही इस कंपनी का ब्लैक है, वो नहीं होने चलने वाली, तो फिर लेट द रीडर नो सो दैट दे कैन टेक द डिसीजन अकॉर्डिंग। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। If a company has changed accounting principles or methods of their application in a way that has material effect of the comparability of the financial statement, the auditors explain the change in explanatory paragraph of the report. देखिए, इसमें वर्ड यूज हुआ है material। देखिए, छोटी मोटी फिगरें हो तो अवॉइड हो जाती हैं, लेकिन जहाँ 5% तक का इफेक्ट आ जाए किसी चीज़ पर, वो material हो जाएगी। यानी अगर आपका प्रॉफिट 5% बढ़ता है या घट होता है तो वो आइटम मटेरियल है। ये 5% की फिगर जो है ना, नॉर्मली हम एक्सेस करते हैं कि यही एक क्राइटेरिया है। तो अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं फॉलो कर रहे और उसकी वजह से आपकी फिगरों में बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, मटेरियल चेंज आ रही है, तो दे हैव टू मेंशन इट कि जी ये इन्होंने ये फॉलो नहीं किया है प्रिंसिपल, या ये पॉलिसी या ये मेथड चेंज किया है और उसकी वजह से ये इतनी चेंज आई है। Emphasis of a matter. The auditor may wish to emphasize a matter regarding the financial statement, but nevertheless intend to express an unqualified report. Ab lease assets are not reported in the financial statement. Just maine bataya ki agar aap samajhte hain ki ek aisi particular item hai jo unhone according to the standards ya according to the principle add on nahi ki hai, to aap mention kar de ki ji inhone ye kaam kiya hua hai और अगर ये इंक्लूड होता तो इससे इसके रिप्रकशन ये थे। जैसे इसमें कहा ना कि अगर लीज एसेट्स जो है उसको आप दिखाई नहीं रहे, लीज लाइबिलिटी को आप दिखाई नहीं रहे, क्योंकि आप समझते हैं कि ये ऑपरेटिंग लीज है, रेंटल हम पे कर रहे हैं बस, ठीक है। नहीं, स्टैंडर्ड है क्लियर कट कि वेदर इट इज़ ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीज, इट शुड बी रिकॉर्डेड। टोटल लीज लाइबिलिटीज जो 5 साल की है, 4 साल की जितनी भी है, वो लीज लाइबिलिटीज भी आएंगी और अकॉर्डिंगली उसके अगेंस्ट आप एसेट भी बुक करेंगे। हालांकि आपका एसेट नहीं है वो, लेकिन आप बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे और अकॉर्डिंगली आप उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे, वो प्रॉफिट को चार्ज होगा, और लीज पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो भी प्रॉफिट को चार्ज होगा। तो ये जो चीज़ है, आप अगर उन्होंने ओमिट किया है तो आप उस पैराग्राफ में मैंशन करें क्लियर। ये एक आइटम मैंने आपको बताई, देयर कैन बी मैनी आइटम्स जो मैंशन की जा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।